हेलो दोस्तों, वेलकम रैबिट्स किचन। हियर इज पंकज लाथिया। तो आज का ब्लॉग ना डॉग्स लवर के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के दिन ना मैं अपने कजन्स के साथ और अपनी भतीजी के साथ क्या करूँगा कि थोड़ा बहुत फूड लूँगा, अब बनाऊँगा, रेसिपी बताऊँगा कि कैसी रेसिपी है, और स्ट्रीट के जो डॉग होते हैं उनको खिलाऊँगा। वो सब उनके लिए पार्टी होने वाली है, तो दिखाता हूँ हम सब मिलके ये बनाने वाले हैं। और आज ना 19 नवंबर है, इंटरनेशनल मेंस डे, और 5-6 लड़कियों ने मुझे मेंशन किया है, थैंक यू सो मच, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इस चीज़ की कि हमारा दिन भी मनाया जाता है। तो अभी ना सुबह के 11 बज रहे हैं, तो रेसिपी स्टार्ट करता हूँ। चिकन के ना मैं वो पाँव लेके आया हूँ, सस्ते में मिल गए मुझे, और राइस वगैरह ये सब बनाएंगे और डॉगीज को खिलाएंगे, है ना। मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, आपको पसंद है ना डॉगी। चलो ये सब ले लिया मैंने, ये लगभग 150 का आ गए, इतने सारे ना 150 के आ गए। खुशी कैसे? इसको ना उठा के रखो वहां पे, कहां? वहां पे आग के पास। यहां पे रख दो। बन रहा है अपना जो हमने लेके आए हुए हैं, सबसे पहले उसमें ना चिकन फीट डाले, उसके बाद राइस, उसके बाद हमने पानी डाला और नमक डाल के एकदम रेडी हो जाएगा। लगभग 1 घंटा लगेगा उसको पकने में, क्योंकि धीमी आंच में पका रहे हैं। उसके बाद ठंडा होने रखना है, और फिर हमने उसको उनको कुत्तों को मारने लेके जाना है। तो भैया की एक स्टोरी है यार, भैया ने भी काफ़ी डॉगी बचाए हुए हैं, तो वो वाली बताना जो आप बता रहे थे एक बार। हमारे यहाँ पे 2 डॉग्स थे, हमने रखे हुए थे, उनमें से एक को ना उसकी लेग में ऐसे कट सा लग गया था, तो वो चल नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था और कहीं जा नहीं पा रहा था। तो हम वो हमें 2 दिन गायब रहा, हमें मिला नहीं। फिर हमने उसको जाकर ढूंढा, फिर देखा उसकी लेग को कट लगा, वो बहुत गहरा कट था। फिर हम वहाँ से डॉक्टर यहाँ से केमिस्ट से वहाँ से बीटाडीन वगैरह हल्दी वगैरह लेके आए, उसकी ड्रेसिंग की हमने, फिर वो चलने लगा और अभी इतना सा हो गया हुआ। मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग ना हम यहाँ पे कोई भी दिखता है कोई तकलीफ में है डॉगी तो बड़ा प्यार करते हैं, हम सब बड़ा प्यार करते हैं छोटे पप्पीज को, या कोई भी स्ट्रे डॉग हो गया तो उनको प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये बदले में काफ़ी प्यार देते हैं, तो हेल्प करनी चाहिए इनकी जहाँ भी मिल जाए आपको तकलीफ में। तो अभी टाइम लगेगा, तो वेट करते हैं पकने का इसका। ऑलमोस्ट पक चुका हुआ है ये, तो इसको अभी ना 1 घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद बाहर जो भी स्ट्रीट डॉग होंगे, जो भी दिखेंगे छोटे छोटे पप्पी या कोई भी, उनको खिलाएंगे ये, काफ़ी भर के। खुशी चेक करो कैसा बना हुआ है। टेस्टी बना है, टेस्टी लग रहा है आपको। हमने ये डॉगीज को देना है, छोटे छोटे पप्पी को, आपके फ्रेंड है ना वो, उनको देना है। सभी के लिए किसी
खिले और जीने को क्या चाहिए। प्यार करते हैं स्ट्रीट डॉग कॉफी। हाथ धो लेना बाद में। ये देख, ये देखो, ये कितना प्यारा सा है ना। घर पे लेके जाए। चलो घर पे लेके जाए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मारना मत, मारना मत। मैं मारूं इसको? नहीं मारू। ले चिकन खाना है? हाँ। गोट खाना है? हाँ। डॉगी खाना? नहीं। डॉगी को नहीं माना? नो। अच्छे होते हैं? नो। ये चिकन क्यों खाते हैं हम? चिकन खाते हैं। अच्छा टेस्टी होता है? हाँ गुड ना यानी यम्मी यम्मी कुकुलू कुकुलू। मजा आया आज ना, मेहनत लगी पर मजा आया। स्ट्रीट डॉग जितने भी थे आसपास के उनको खाना खिलाया। होप कि आने वाले टाइम पे मैं ज़्यादा ज़्यादा बनाऊँ और मैं ज़्यादा ज़्यादा बांटूँ। मुझे अच्छे लगते हैं स्ट्रीट डॉग को ना, प्यार करना चाहिए। वो बदले में काफ़ी प्यार देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रीड को ही प्यार दो। एक पोस्ट देखी थी मैंने, इसमें लिखा था कि मैं ब्रीड तो नहीं हूँ पर मैं प्यार वैसा ही करता हूँ जैसा कोई ब्रीड करता है। तो इनको भी प्यार किया, मतलब करते हैं लोग। मैंने देखा आसपास के लोग खाना खिला देते हैं, प्यार करते हैं, पर मारना नहीं चाहिए इनको। तो सही है, ब्लॉग में मज़ा आया। होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। आने वाले टाइम पे हम और बड़ा ज़्यादा खाना बनाएंगे, ज़्यादा देंगे। आपकी ब्लेसिंग, आपका सपोर्ट चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल। जय हिंद।